हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का थ्री हीरोज के बारे में और इन तीन हीरो वापस रिटर्न नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आ सकते हैं या नहीं इस सीजन में। इसी टॉपिक के ऊपर भी डिटेल्स में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डेसन ब्रोन के बारे में। गाइस, आप लोग सभी जानते ही है डेसन ब्रोन कैसा प्लेयर है और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में डेसन ब्रोन का परफॉर्मेंस कैसा था और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का सारे फ्रेंड्स डेसन ब्रोन का फ्रेंड हो गया था। डेसन ब्रोन जब नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में था तब नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का परफॉर्मेंस कैसा था आप लोग सभी जानते ही है। डेसन ब्रोन के बारे में बात किया जाए तो अभी डेसन ब्रोन का एज 32 इयर्स हो चुका है और बहुत ज़्यादा भी एज नहीं हुआ है और डेसन ब्रोन अब थाई लीग में एक क्लब में खेल रहे हैं और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी डेसन ब्रोन को जनवरी ट्रांसफर विंडो में मतलब सीजन 10 में नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। डेसन ब्रोन का मार्केट वैल्यू भी इतना ज़्यादा नहीं है, 1.6 करोड़ है। बट नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में डेसन ब्रोन आने का चांस बहुत ज़्यादा कम है और डेसन ब्रोन एक क्लब में थाईलैंड का एक क्लब में जून 2024 तक कॉन्टैक्ट है और ये नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में डेसन ब्रोन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात किया जाए तो नेक्स्ट प्लेयर का नाम है लुइस मोसाडो। लुइस मोसाडो भी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत सारे लोग कमेंट करके रहते थे कि लुइस मोसाडो के बारे में कुछ अपडेट वगैरह दो, लुइस मोसाडो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में रिटर्न आ सकते हैं या नहीं। गाइस, मैं बता देता हूँ, लुइस मोसाडो भी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। और लुइस मोसाडो के प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो लुइस मोसाडो का अब एज 31 ईयर हो चुका है और लुइस मोसाडो अब एक रेडोमियाक नामक एक क्लब में खेल रहे हैं। और लुइस मोसाडो के प्रोफाइल और मार्केट वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो लुइस मोसाडो का मार्केट वैल्यू 3.2 करोड़ है और लुइस मोसाडो का भी कॉन्टैक्ट 2024 जून तक है और लुइस मोसाडो भी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आने का चांस नहीं है बहुत ही ज़्यादा, मतलब चांस नहीं है बोल सकते हैं। और इसके बाद थर्ड प्लेयर का नाम है फेडेरिको गैलेगो। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि फेडेरिको गैलेगो के बारे में बताने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, आप लोग सभी जानते ही है फेडेरिको गैलेगो लास्ट सीजन मोहन बागान सुपर जायंट के लिए खेला था और सीजन एंड होने के बाद फेडेरिको गैलेगो को मोहन बागान सुपर जायंट ने रिलीज कर दिया था। बाद अभी कुछ दिन पहले फेडेरिको गैलेगो विदाउट क्लब थे। बाद अभी फेडेरिको गैलेगो एक क्लब में खेल रहे हैं जिसका नाम है साब अमेरिका। साब अमेरिका में फेडेरिको गैलेगो का दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट डील है और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में फेडेरिको गैलेगो को चाहे तो साइन कर सकते हैं। ये एक नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए बहुत ही एक बड़ी चांस है। फेडेरिको गैलेगो को रिटर्न नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आने के लिए एक बहुत ही चांस बोल सकते हैं और नॉर्थ यूनाइटेड मैनेजमेंट फेडेरिको गैलेगो को साइन करना चाहिए या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय अहोम, वंदे मातरम।